नमस्कार, डोगरी खबरें तुंदा स्वागत है। मैं राजन बड़ेयाल ते पेश न इस बेले दियां खबरां। गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें अज SKICC श्रीनगर च डिप्टी कमिश्नर ते पुलिस दे जिला सीनियर सुपरिटेंडेंट दी इक रोजा कांफ्रेंस दा उद्घाटन कीता। उन्हें आखिया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने, जन कल्याण की सेवा प्रदान करने ते जिले की पूरा विकास ते सुनिश्चित करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ते जिला SSP पर खासी जिम्मेदारी बनती है। उन्हें आखिया जो लोगों की शिकायतों का निवारण करने की मजबूत बनाने वाली पैसा खाटी जरूरत है। राज्यपाल होरें जिला प्रशासन के डिप्टी कमिश्नर की आह्वान किया जो इस संबंध में तैयार भूमिका निभान ते लोगों की समस्याओं की सुनवाई के लिए एक रोज मुकर्र करन ताजे उनकी दिक्कतें का निपटारा किया जा सके। कॉन्फ्रेंस में गवर्नरों के सलाहकारें, मुख्य सचिव, DGP, राज्य के दोनों संभागें के डिविजनल कमिश्नर ते दूगे आला अधिकारियों भी हिस्सा लिया। उसके बाद क्या एक्शन होता है वो आप जानते हैं, कैसे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, मैक्सिमम उसको रिलीफ देने की भी कोशिश करिए। तो हफ्ते में एक दिन आपको जरूर इसके लिए निकालना है। और मैंने जो हमारे सलाहकार महोदय हैं उनसे भी कहा कि आप भी हफ्ते में एक दिन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाइए और DM डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ बैठ के सुनवाई करिए। तो उसमें एम्प्लॉय होंगे तो ये जो मसला यहाँ का है ये बहुत सारी चीजें जुड़ के बना है तो उसमें से कुछ कुछ मसले हल होते रहेंगे। इसको आप समझिए कि प्रायोरिटी सेक्टर है, 8,000 रुपए लगा के सारी जो अधूरी प्रोजेक्ट्स है उनको पूरा करना। इसके बाद आता है जो प्रधानमंत्री का फंड आया था, CS साहब मुझे करेक्ट करेंगे, उसमें लगभग आधा ही लगा है, उससे ज्यादा नहीं लगा है। उसको सारे को खर्चा करना आपके इन चारों लोग आपकी ड्यूटी है, उसको सही जगह पे सही काम में जल्दी से जल्दी खर्चा किया जाए और आगे की डिमांड की जाए। होशियारी यही है कि जो आया था वो खर्च लिया और आगे के लिए प्रेशर बना दिया। कहता हूं मैं आपके लिए हर मिनिस्ट्री में सब जगह जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस काम को आप पूरा करें। What does the governor's rule signify or mean to us in the state of J&K? First, at a higher organizational level, objective level, I think it is an opportunity to deliver good governance. We must be seen to be doing things differently and in a manner which is in larger public interest. Especially in an insurgency situation, it doesn't fall upon entirely the shoulders of the khaki to handle it. That becomes a military response. The examinations of the students in the winter zone, that is class 10th, 11th and 12th in almost whole of the valley, will also be kind of simultaneously held along with the elections. Well, there has been a certain amount of exercise that has been done. Today, incidentally, the third month of governor's rule being completed. The governor's rule actually was imposed on 19th of June, just incidental. Since the imposition of governor's rule, there have been a certain agenda which previous governor and current governor have been following. The focus of government has been delivering development in a systematic, rapid way, delivering good governance. गवर्नर दे सलाहकार के विजय कुमार होरें अज श्रीनगर च बख बख क्षेत्र थमां आए दे लोकें दे कन्नै मलाटी कीती ते उंदी समस्याएं बारे जानकारी लैती। लोकें सलाहकार के विजय कुमार होरें गी अपने अपने इलाके दी दिक्कत परेशानियां बारे जानकारी दित्ती। उत्थे गै कंगन गांदरबल थमां आए दे दर्दशीन समुदाय दे ट्राइबल स्टेटस दा दर्जा देने बारे गल आखी। तहसील खनजार दे बख बख ग्राएं थमां आए दे लोकें दे इलाकें च ट्रोमा केंद्र ते मैटरनिटी अस्पताल स्थापित करने दी मंग रखी। तोई किश्तवाड़ थमां आए दे प्रतिनिधिमंडल ने हाड़े करी तबाह होए दे पुल बनाने दे बारे ध्यान दवाया। उत्थे के बिजली पानी दी सप्लाई सुचारू बनाने सने इलाके च विकास करने दे बारे भी मंग लोकें सलाहकारों दे अगे रखियां। प्रदेश कांग्रेस पार्टी आने वाले स्थानीय निकाय ते पंचायती चुनाव च हिस्सा लैग। इस बारे च अज श्रीनगर च एक संवाददाता सम्मेलन च संबोधित करदे होई JKPCC दे अध्यक्ष GA मीर होरें दस्सी। उन्हें पार्टी बारे बोलते हुए दस्सिया जे पूरी ताकत कन्नै चुनाव लड़ग। उन्हें आखिया जे उह सांप्रदायिक ताकतें गी लेइए चुनावी मैदान खाली नहीं छोड़न। निकाय ते पंचायती चुनावें च नैशनल कांफ्रेंस, CPM ते PDP ने पूरी चाली बहिष्कार करने की घोषणा की दी है। अपना एनालाइज करने के बाद, असेसमेंट लेने के बाद कोई भी दूसरा फैसला लेने के लिए
अपने पास अपनी अथॉरिटी रखेंगे। डेफिनेटली मैंने पहले ही कहा हम हालात से नावाकिफ नहीं हैं, हालात हमारे आंखों के सामने हमारे जहन में है। ऐसा नहीं है कि कोई एक को जानकारी और हमको जहां भी इसी वतन के रहने वाले, मगर उसके बावजूद जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, चूंकि अगर हम खुदा न खास्ता ना करें इस चुनाव को तो फिर एक बहुत बढ़िया सवाल आया, इसलिए मैंने पहले ही कहा हम कुछ जिम्मेदारियों को महसूस करते हैं, उन जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए हम ये एक कदम आज उठा रहे हैं। और हम अपील करेंगे पूरे जम्मू कश्मीर के आवाम को, खासकर कश्मीर प्रोविंस के आवाम को, अगर आप भी हमारी इस बात से मुत्तफिक है, आप भी इस अहद के लिए हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो जरूर कोशिश कीजिए अपने पंचायतों में, अपने म्यूनिसिपलिटीज में, अपने म्यूनिसिपल काउंसिल्स में और इस शहर श्रीनगर में जहां कॉरपोरेशन का चुनाव होना है। मैं ये जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि शायद कोई ऐसा शहरी नहीं होगा जो ये चाहेगा कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर का मेयर कल नागपुर से डिसाइड किया जाए और वो नागपुर वाला श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को रूल करे, ऐसा कम से कम कोई इंसान नहीं होगा। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने ये एक अहद लिया, हम चाहेंगे अच्छा रहता बाकी पॉलिटिकल पार्टीज भी मैदान में होती, जो उनका हक उनके पास में है। मैंने पहले ही कहा कि इसी दिन के लिए इन्हीं फोर्सेस को रोकने के लिए सारी सेक्युलर पार्टीज तो वजूद में आती हैं। आज मुझे लगता है कि सब पार्टीज के लिए एक जिम्मेदारी का एक मौका था।